पूजा बिश्नोई। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने वो कर दिखाया है जिसके लिए बड़े बड़े लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं। 3 साल का बच्चा सही से चलना भी नहीं सीख पाता, लेकिन पूजा ने तब से ही एथलीट बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। मैं इस 10 साल की पूजा के 6-pack abs हैं और 10 किलोमीटर का फासला वो 48 मिनट में दौड़कर पूरा कर लेती हैं। पूजा ने 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर दौड़कर अपना नाम अंडर 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया है। पूजा के मामा सेल्फ ट्रेन्ड एथलीट हैं और मेडिकल इशू के कारण वो नेशनल चैंपियन बनने से चूक गए थे और अब वो ही पूजा की ट्रेनिंग कराते हैं। आप पूजा से उनकी जर्नी के बारे में सुनिए। हाय, मेरा नाम पूजा बिश्नोई है और मैं जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर गुड़ा बिश्नायन गांव में रहती हूँ और अभी मैं 10 साल की हूँ। और जब मैं 3 साल की थी तब से मैंने खेलना शुरू किया था और मेरे कोच है वही मेरे मामा है, उनका नाम सवन बुढ़िया है। और जब मैं छोटी थी 3 साल की थी तब मेरे कोच ने मुझे खेलना स्टार्ट करवाया था और उनका भी, वो साई में रहते थे तो उनका भी सपना था कि वो भी देश के लिए मेडल जीते, बट उनकी एमएसटी प्रॉब्लम हो जाने के कारण उन्होंने गेम्स छोड़ दिया। फिर उन्होंने मुझे पे ही फोकस करना शुरू कर दिया था और जब मैं 5 साल की थी तब मैंने 6-pack abs बना लिए थे और जब मैं 6 साल की थी तब मैंने 10 किलोमीटर 48 मिनट में किया था और जब मैं 8 साल की थी तब मैंने 3 किलोमीटर 12 मिनट और 50 सेकेंड में किया था और अभी मुझे विराट कोहली फाउंडेशन भी सपोर्ट करता है। पूजा एक बेहतरीन स्प्रिंटर होने के साथ साथ फास्ट बॉलर भी हैं। वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बॉलिंग करना चाहती हैं। रोजाना 8 घंटे की प्रैक्टिस और हेल्दी डाइट ही पूजा की फिटनेस का सीक्रेट है। वो रोज केला, खजूर और अंजीर खाती हैं। आप और हम जब चैन की नींद सो रहे होते हैं तब सुबह 3 बजे जाकर पूजा अपनी ट्रेनिंग करती हैं, फिर 7 बजे स्कूल जाती हैं। स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटे आराम करती हैं और फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हैं। एथलीट बनने के इस जुनून को देखते हुए विराट कोहली फाउंडेशन ने उन्हें लाइफ टाइम स्कॉलरशिप फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफर किया है। फाउंडेशन उनकी ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और यात्रा का पूरा खर्च उठा रहा है और साथ ही जोधपुर में प्रैक्टिस करने के लिए फ्लैट भी दिला रखा है। सोशल मीडिया पर भी पूजा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक एड शूट भी किया है। पूजा महानायक अमिताभ बच्चन से भी मिल चुकी हैं और उन्होंने भी पूजा को इंटरनेशनल एथलीट बनाने के लिए हर संभव मदद देने का वादा किया है। पूजा का कहना है कि वो 2024 यूथ ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहती हैं और भारत के लिए गोल्ड जीतना उनका सपना है। पूजा की स्टोरी हमें यही बताती है कि सपनों की उड़ान सबसे ऊंची उड़ान होती है एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क।